किसानों में आत्मबल और उसके साथ अपने गांव में रहना और उस गांव के साथ साथ रह के अपनी प्रकृति और अपने वातावरण को बचाने का काम ये इस माध्यम से हुआ है, तो मुझे लगता है 3 दिन के इस जो हमारी डिलीबरेशंस हैं उसमें ये मुद्दा एक विशेष मुद्दा रहेगा। अगले आने वाले 10 साल का अल्टीमेटम देकर हमारे विश्वविद्यालयों को और रासायनिक खेती पर पूर्णतः रोक लगा दी जाए, ऐसा मेरा सोचना हो और इस बात पर इस संवाद में मंथन होना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी ये हिमालय के लिए है। G20 के द्वारा हम विश्व को क्या दे सकते हैं, तो वी कैन श्योरली एनोबल द वर्ल्ड। कारण भारत की विजन क्या है ये अपने ऋषि मुनियों ने तय कर दिया था, अपने सामने रख दिया था, हम मानते हैं नहीं मानते हैं। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हम सारे विश्व को सुसंस्कृत बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, उसके लिए जो भी आवश्यक है हम सब करेंगे और ये G20 इज द लॉन्चिंग पैड फॉर दैट। सेवा इंटरनेशनल जो है, जो इसके आयोजक हैं, उनके अनेक लगभग 26-27 देशों में उनका काम चल रहा है कि पूरे देश विदेश में जो काम चल रहा है तो लोगों की समस्याओं को देखकर उस समस्याओं के लिए कुछ उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम होते हैं समस्याओं का, यहाँ समाधान ढूंढने के लिए अगर हम तत्पर हैं तो उसके लिए मदद करने के लिए लोग भी यहाँ कार्य तत्पर होते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको विचार करने की आवश्यकता है और युवा शक्ति ही ऐसे अनेक समस्याओं का समाधान दे सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप ही दे सकते हैं, सिर्फ आपका देखने का इसकी तरफ दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। Place has come their uniqueness, and even if you see the traditional management practices which has been going on thousands of years in Himalayan areas, what kind of activities they have ventured, you can have a clue over there. So what could be successful or what should be taking up in the Himalayan area. So I think this is what they have a future perspective. Diaspora as your ambassador, but the point is, what is the story your ambassador will tell? You have to create a story, a trans-Himalayan or whatever story that your diaspora can sell. So create a story, give to the diaspora, and then your ambassadors can sell, even if they have the goodwill. ये जो बायोमास यूज़ करके हम लोग एक जो GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो समस्या है वो भी आपके हिमालयन रीजन के लिए बड़ी विकराल समस्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन से हिमालयस के जो ग्लेशियर्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। And in my network in Tamil Nadu, out of 12,000
325 panchayats. I have got 2,000 panchayats in my network. Out of that, 700 panchayat leaders are really coming up and doing like anything. So we can do a lot. Nepal and other poor countries who are contributing quite little in the global climate change because of little production of CO2. However, they are the topmost vulnerable countries to the effect of climate change. उम्मीद करता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नई नई मेडिसिन आ रही हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, टेली कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन, ये सब चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं हम सबको। और इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि ये दूसरा वर्ड है इक्विटी। इक्विटी क्या है? सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सब सर्विसेज सबको बराबर तक मिलनी चाहिए। G20, the process itself, has tried to reach out to all the stakeholders. And one thing that has happened very unique, although it is not part of the official list of engagement groups of the G20, but Prime Minister said that our presidency year should begin by connecting with the youth. And that's why something called the University Connect, G20 University Connect, has been launched. सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो किसी का निजी क्लिनिक हो, चाहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और इसमें एक अच्छा तालमेल, एक बेहतरीन रेफरल और एक जो फैमिली फिजिशियन का पुराना कंसेप्ट था कि एक मोहल्ले के अंदर एक फैमिली फिजिशियन होता था, उसकी होलिस्टिक अप्रोच होती थी, उसका बच्चे भी जाते थे, माँ भी जाती थी, बाप भी जाता था, दांत की प्रॉब्लम भी उनको दिखाई जाती थी, ENT की प्रॉब्लम भी उनको दिखाई जाती थी, और हमारे जो पुराने प्रोफेशनल्स थे वो कहते थे कि रूरल इंडिया को, हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों को जनरल सर्जन की जरूरत नहीं है, सर्जन इन जनरल की जरूरत है। अपने ट्रांस हिमालयन रीजन जो एक शुद्ध हवा पाने और वातावरण के लिए जाना जाता है, उसको कैसे इंटैक्ट रखा जाए, डेवलपमेंट एक तरफ, लेकिन हमारी जो वातावरण की स्वच्छता है, पोल्यूशन फ्री जो हमारा वातावरण है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसको हम कैसे कायम रख पाए ताकि हम एक इको फ्रेंडली डेवलपमेंट मॉडल हम इस ट्रांस हिमालय रीजन में ला पाए। हमारी जो परिस्थिति जहां की और वहां हजारों सालों की जीवन है, जिंदगी है, और जब जिंदगी है तो वहां सब कुछ है, उस पे काम करने की आवश्यकता है। इसे लोकलाइज सॉल्यूशन और उसकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पर हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। We
वेयर इज द सॉल्यूशन फॉर इवन ग्लोबल प्रॉब्लम इज देयर इन द लोकल ओनली. A series of locations, if you really correct them, then the global or the whole will become better. हमारा देश नहीं है हिमालय ऐसे ही नहीं है, हमारा देश के भी नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के भी ये जीवन रेखा है, आयु रेखा है, उसको सुरक्षा करने ऑल ओवर वर्ल्ड के काम है. आप लोग नया जब ये शुरू हुआ था, ये शुरू से ऑल ओवर वर्ल्ड जब जाने हैं हिमालय को बसाने के लिए, यही हमारा काम होगा. चालीस वक्ताओं ने माइंड बॉगलिंग चीज़ें हमको बताई है. अभी मेरे को लगता है आई हैव टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन इट, थिंक अबाउट इट एंड सी कि व्हाट इज पॉसिबल इन इन द एरिया दैट वी वर्क इन एंड हाउ डू वी गिव बैक द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव डेवलप्ड इन द लास्ट थ्री डेज. और लोकल लोगों को साथ में जुड़ते हो तो आपको भी नहीं पता होता कि क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं. The insights and wisdom of many more people, जब आप सब लोगों के साथ सिनर्जाइज करते हैं, it's much more than you ever thought of. एक एक हम बोलते हैं दो बनता है, एक एक ग्यारह से भी ज़्यादा बन जाता है. Does Himalaya is the main sources of the water for the this many water country. Like India, China, Nepal, Bangladesh, Pakistan. So those the drinking water is come from the Himalaya. So you have to keep very clean area, something like this. This is very important.